नमस्कार, रेसिपी हेल्प में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट ब्राउनी केक, वो भी बिना चॉकलेट बार और बिना बटर के हम बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट ब्राउनी केक, जो कि बच्चों का बहुत ही पसंदीदा चीज़ होता है। लेकिन इसे बनाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। चॉकलेट ब्राउनी केक बनाने के लिए पहले हम एक बाउल में उबला हुआ पानी लेंगे। पानी हमने 2 कप के बराबर ली है और एक बाउल में 100 ग्राम चोको चिप्स लेंगे और उसके ऊपर से 3 टेबलस्पून ऑयल मिलाएंगे और गर्म पानी के ऊपर इसे रखकर ये घुलने तक इसे हम मिलाते रहेंगे। देखिए चोको चिप्स जो है ये घुल गए हैं, थोड़े करीब 5 मिनट लगता है इसे घुलने में। अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर से एक बाउल में इसे निकालेंगे। अब एक छलनी लेंगे और उसमें 1.5 कप मैदा लेंगे और 1/2 कप शुगर पाउडर लेंगे। दो टेबलस्पून चोको पाउडर लेंगे और इसे अच्छी तरह छान लेंगे। मैदा को छान लेने से केक थोड़ा फ्लफी होता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर का हो, इसका आप ध्यान रखें। करीब 1/2 कप दूध लगा है हमें। इसे अच्छी तरह आप 5 मिनट तक मिलाते रहिए और एक स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। एक टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा पानी या दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह 2-3 मिनट तक फेंटेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है बैटर में अच्छी तरह घुल जाए, वरना केक अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए बैटर हमारा कितना फूल गया है। अब हम एक केक टिन लेंगे जिसे हमने तेल से ग्रीस कर लिया है और एक A4 साइज पेपर को कट करके नीचे डाल दिया है। आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है हमारा बैटर। बैटर को केक टिन में डालकर 2-3 बार टैप कर लेंगे और एक कढ़ाई को हमने पहले ही 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम में प्री हीट करके रखा है और एक प्लेट को नीचे से डाल दिया है और केक टिन को अब प्लेट के ऊपर चढ़ाकर इसे कवर कर देंगे और करीब 20 मिनट तक इसे बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। और इसे निकाल के ठंडा करके डीमोल्ड कर देंगे। और ऊपर से जो पेपर लगा है उसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितने आसान से पेपर भी निकल गया और बहुत अच्छा केक बना है। और इसे अब हम स्क्वायर शेप देंगे क्योंकि ब्राउनीज जो होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं।
जो बचे हुए पार्ट्स है इसे भी हम यूज़ कर लेंगे बाद में, लेकिन हम इसे सुंदर रूप देने के लिए स्क्वायर शेप कर दिया है। और ऊपर से थोड़े से चकलेट सॉस हम डालेंगे, जिसका रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ऊपर से थोड़े से चॉकलेट सॉस डालेंगे और थोड़े से चको चिप से हमने सजा लिया है। आप चाहे तो बाजार से भी चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप ला के सजा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा ब्राउनी, बिल्कुल बाजार जैसा, और बहुत अच्छी यमी भी बनता है इस तरह से। और जो बचे हुए टुकड़े हैं इसके ऊपर भी थोड़े से हम चॉकलेट सॉस डाल देंगे, और इसे भी थोड़े से चॉकलेट सॉस डालकर हम खा सकते हैं। ये देखिए ये भी कितना यमी बन गया है। इसे एक बार आप घर पर बहुत ही आसान विधि से ज़रूर बनाइए, खाइए और अपना कमेंट हमें ज़रूर शेयर करें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।